हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप और आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ दट इज़ इंटरप्ट हैंडलिंग ठीक है इंटरप्ट हैंडलिंग पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र एंड वट इज़ इंटरप्ट ड्रिवन मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र ओके तो इसके पहले मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र एंड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो पहले आप उन्हें ज़रूर पढ़ लें उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा थीके? ठीक है कि क्या प्रोसेस है इंटरप्ट हैंडलिंग का तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ इंटरप्ट हैंडलिंग ठीक है तो जब हम इंटरप्ट ड्रिवन मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र को फॉलो करते हैं है ना जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे इंटरप्ट ड्रिवन मोड ऑफ़ डेटा ट्रांसफ़र तो इसका मतलब आपके पास जो प्रोसेसर है प्रोसेसर के पास एन नंबर ऑफ डिवाइसेस जैसे आपके पास पांच डिवाइसेस ने सेम टाइम पे क्या किया इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज दी ठीक है मैंने कहा एक हमारे पास माउस ने रिक्वेस्ट भेजा इंटरप्ट रिक्वेस्ट कीबोर्ड ने भेज दिया कुछ हमारे पास कैमरा है ठीक है इसके बाद प्रिंटर है इस तरह से हमारे पास कई सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं ठीक है एंड ये जो है प्रोसेसर को सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्योंकि हम किस मोड पे काम कर रहे हैं इंटरप्ट ड्रिवेन मोड पे काम कर रहे हैं ठीक है डेटा ट्रांसफ़र के लिए तो इस केस में प्रोसेसर को डिसाइड करना होगा कि ये जो मेरे पास अवेलेबल डिवाइसेज हैं इन की रिक्वेस्ट को मैं किन इनमें से किसकी रिक्वेस्ट को मैं पहले हैंडल करूं या पहले एक्सेप्ट करूं ठीक है तो इसके लिए ही हमें इंटरप्ट हैंडलिंग जैसे टॉपिक की ज़रूरत आती है मींस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और टू इंप्लीमेंट दिस टॉपिक सो दैट वी कुड डिसाइड द प्रियोरिटी ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसिस विच कैन विच कैन आस्क फॉर सर्विस फ्रॉम द प्रोसेसर okay so let's see uh, in interrupt driven mode of data transfer is if multiple input devices input output devices are attached to the computer and each device being able to originate uh, and interrupt request then the first task of interrupt system is to identify the source of interrupt theke? पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंटरप्ट आ कहाँ से रही है वी आई हैव एन नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ इंटरप्ट एंड देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट सेवरल सोर्सेज विल रिक्वेस्ट सर्विस साइमल्टेनियसली मीन्स एट द सेम टाइम आपके पास कई सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसिस इंटरप्ट सिग्नल भेज रही हैं सो इन दैट केस सिस्टम मस्ट ऑल्सो डिसाइड वन विच टू सर्विस फर्स्ट मीन्स आपके पास वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि इंटरप्ट हैंडलिंग क्या बता रहा है कि भाई अगर आप इंटरप्ट रिवेन मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर पे काम कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आपके पास डिवाइसेस जो है रिक्वेस्ट भेजेंगी इंटरप्ट सिग्नल देंगी ठीक है और आपके पास ऐसा भी केस आ सकता है कि कई सारे डिवाइसेस फोर टू फाइव डिवाइसेस सेम टाइम पे आपको इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजें प्रोसेसर के पास ठीक है कई सारी एक साथ रिक्वेस्ट भेज रही हैं तो आपको जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से मुझे किसकी रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसको मैं पहले सर्विस दूं ठीक है तो इसके लिए वी हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द डिवाइसेस राइट और ये इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग इंटरप्ट हैंडलिंग आप कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिसाइड बाई डिसाइडिंग द प्रियोरिटी ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसिस ओके ओके अब थोड़ा सा आगे देखते हैं सो so, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम नेम एज प्रियोरिटी इंटरप्ट ठीक है इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए वी आर यूजिंग अस्टम दैट इज नोन एज प्रियोरिटी इंटरप्ट अब ये क्या होता है अ प्रियोरिटी इंटरप्ट इज अ सिस्टम दैट इस्टेब्लिशेज अ प्रियोरिटी ओवर द वेरियस सोर्सेज टू डिटरमाइन विच कंडीशन टू बी सर्विस्ड फर्स्ट वेन टू और मोर रिक्वेस्ट अराइव साइमल्टेनियसली मतलब आपके पास ये जो प्रियोरिटी इंटरप्ट ये एक सिस्टम है जो प्रायोरिटी को डिसाइड करेगा कि आपके पास अगर कई सारे डिवाइसेस सेम टाइम पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किसको मुझे प्रायोरिटी देनी है दिस विल बी डिसाइडेड बाय द प्रायोरिटी इंटरप्ट ठीक है ओके एंड दिस सिस्टम में आल्सो डिटरमाइन विच कंडीशंस आर परमिटेड टू इंटरप्ट व्हेन द कंप्यूटर इज हैंडलिंग द अनदर रिक अनदर इंटरप्ट और वेन अनदर इंटरप्ट इज़ बींग सर्विस्ड ठीक है मीन्स प्रियोरिटी इंटरप्ट के सिंपल टर्म्स में बात करूँ पहली चीज ये प्रियोरिटी डिसाइड करेगा ठीक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कि अगर कई सारे डिवाइसेस सेम टाइम पे रिक्वेस्ट करती हैं तब क्या हो और दूसरा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें अगर प्रोसेसर पहले से किसी इंटरप्ट को सर्विस कर रहा है फिर भी कोई डिवाइस इंटरप्ट की रिक्वेस्ट भेज सके उस कंडीशन को भी बताना किसका काम है प्रियोरिटी इंटरप्ट का तो अब हम देखते हैं कि भाई प्रियोरिटी इंटरप्ट इस काम को कैसे देख रहा है हम क्या एजम्पन लेते हुए कर रहा है सो लेट सी द फर्स्ट पॉइंट दैट इज मैंशनड ओवर हेयर कि वन सेकेंड डिवाइसेस विद द हाई स्पीड ट्रांसफर सच एज मैग्नेटिक डिस्क आर गिवन हाई प्रियोरिटी ठीक है मीन्स हाई स्पीड जो डिवाइसेज हैं उनको हाई प्रियोरिटी दी जा रही है एंड जो लो स्पीड या स्लो स्पीड डिवाइसेज हैं लाइक्री कीबोर्ड माउस आर गिवेन द लो प्रियोरिटी मीन्स स्पीड के बेसिस पे आप प्रियोरिटी दे सकते हैं इट कुड बी वन फैक्टर टू डिसाइड द प्रियोरिटी राइट आई एम टेकिंग एन एजम्शन सो वैन टू डिसेज इंटरप्ट द कंप्यूटर एट द सेम टाइम द कंप्यूटर सर्विसेज द डिवाइस विद द हायर प्रियोरिटी फर्स्ट, ओके okay? तो हम प्रियोरिटी को एक अजम्पन हम ले रहे हैं कि भाई प्रियोरिटी को हम किस बेसिस पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ स्पीड जिसकी जिस जिस इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड ज़्यादा होगी उसकी प्रियोरिटी हाई होगी इन कंपेयर टू स्लो स्पीड डिवाइसेस, ओके अब हम देखते हैं कि भाई प्रियोरिटी को स्टैब्लिश करने के क्या तरीके हैं ठीक है सो स्टैब्लिशिंग द प्रियोरिटी of simultaneous interrupts can be done by a software or hardware. ठीक तो आप इसे सॉफ्टवेयर के तरीके से मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपका प्रियोरिटी इंटरप्ट सिस्टम है इसको आप दो तरीके से बना सकते हो एक कौन सा एक विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर मीन्स बाय राइटिंग अ प्रोग्राम और यू कैन डू इट बाय प्रिपेयरिंग अ हार्डवेयर ठीक है दो तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ कि हार्डवेयर आर फास्टर दैन सॉफ्टवेयर ठीक है तो जब भी आप हार्डवेयर का यूज करके प्रियोरिटी इंटरप्ट बना रहे होंगे तो दिस विल बी ऑलवेज फास्टर दैन द दा सॉफ्टवेयर बन ठीक है तो अब हम आते हैं मुद्दे पे कि सॉफ्टवेयर प्रियोरिटी इंटरप्ट को कैसे बनाया जाता है तो उसके लिए वी यूज द पॉलिंग मेथड ठीक है सॉफ्टवेयर प्रियोरिटी इंटरप्ट को आप एक दूसरा नाम दे सकते हैं सॉफ्टवेयर प्योरिटी इंटरप्ट का एक मो मेथड है दैट इज पोलिंग ठीक है सो पोलिंग टेक्निक और पोलिंग प्रोसीजर इज यूज टू आइडेंटिफाई द हाइएस्ट प्रायोरिटी रिक्वेस्ट और सोर्स बाई सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर मीन्स से मतलब है कि बाई यूजिंग अ प्रोग्राम ठीक है इस क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट है ठीक है तो ये इसको हमने एक नाम दिया सॉफ्टवेयर प्योरिटी इंटरप्ट के लिए जो मेथड हमने नाम लिया है दैट इज़ पोलिंग मेथड ठीक है पोलिंग प्रोसीजर क्या करता है ये सोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है हाई प्रायोरिटी डिवाइस को विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर ठीक है एंड इन दिस मेथड देयर इज़ वन कॉमन ब्रांच एड्रेस फॉर फॉर ऑल इंटरप्ट ठीक है एंड द प्रोग्राम दैट टेक्स केयर ऑफ इंटरप्ट बिगिन एट द ब्रांच एड्रेस एंड पोज द इंटरप्ट सोर्सेस ऑन द सीक्वेंस तो आप ऐसा ना समझें कि यहाँ पर जो लिखा है वो रीड कर रही हूँ आई हैव रिटेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है बहुत मतलब एकदम टू द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट पोलिंग ओके मैं बहुत uh, इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत एकदम सटीक पॉइंट्स है अबाउट पोलिंग मैथड मैंने वही यहाँ पर मैंशन किया है और मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ ठीक है तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इस मैथड में आपके पास एक कॉमन ब्रांच एड्रेस है ठीक है और द प्रोग्राम दैट टेक्स केयर ऑफ इंटरप्ट बिगिन एट द ब्रांच एड्रेस जिसके बारे में अभी हमने बात की थी और ये जो प्रोग्राम है जैसे हर एक जैसे हर एक इंटरप्ट किसी एक कॉमन ब्रांच एड्रेस पे जंप कर जाएगा ठीक है ब्रांच एड्रेस मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव कर जाना है ठीक है और ये ब्रांच एड्रेस क्या है ये ब्रांच एड्रेस आपको उस प्रोग्राम तक ले जा रहा है जो पोलिंग के फंक्शन को परफॉर्म करेगा ठीक है अब ये पोलिंग का काम कैसे होगा ये प्रोग्राम क्या कर रहा है दिस प्रोग्राम पोल्स द इंटरअप सोर्सेज इन सीक्वेंस आपके पास जो भी इंटरप्ट सोर्सेज हैं इनको वन बाय वन ये पोल करेगा ठीक है और जिस सीक्वेंस में ये टेस्टिंग करेगा ठीक है जैसे आपने एक सीक्वेंस में अज्यूम कर रही हूँ सपोज सबसे पहले इसने कीबोर्ड को पोल किया ठीक है सेकेंड नंबर पे ये डिस्क को पोल कर रहा है सेकेंडरी डिवाइस को पोल कर रहा है थर्ड नंबर पे से ये कैमरा को पोल कर रहा है तो जिस सीक्वेंस में ये पोलिंग का काम होगा मतलब जैसे ये प्रोग्राम सबसे पहले कीबोर्ड के पास अगर जाता है तो दिस विल बी हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस ठीक है अगर ये प्रोग्राम सबसे पहले डिस्क को चेक करता है ठीक है तो डिस्क क्या होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस होगा ठीक है जिसकी रिक्वेस्ट को सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा प्रोसेसर को ठीक है तो ले दे के सीधा सा मतलब ये है पोलिंग का कि ये जो प्रोग्राम है प्रोग्राम जिस सीक्वेंस में डिवाइसेस को पोल करेगा जो डिवाइस सबसे पहले पोल की जाएगी उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी और जिस पे जो ये जो प्रोग्राम है जिस डिवाइस पे सबसे बाद में पहुंचेगा उसको लीस्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा तो एक बार हम इसको देख लेते हैं द प्रोग्राम दैट टेक्स केयर ऑफ इंटरप बिगिन एट द ब्रांच एड्रेस एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड पोल्स द इंटरप सोर्सेज इन सीक्वेंस ओके ये भी बात हम कर चुके हैं द ऑर्डर इन विच दे आर टेस्टेड डिटरमाइंस द प्रोरिटी ऑफ ईच इंट्रप ठीक है जिस ऑर्डर में ये टेस्टिंग होगी हर एक सोर्स की वही उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करेगा द हाइएस्ट प्रायोरिटी सोर्स इज टेस्टेड फर्स्ट एंड इफ इट्स इंटरप्ट सिग्नल इज ऑन कंट्रोल ब्रांचेज टू आ सर्विस रूटीन फॉर दिस सोर्स तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरप्ट ड्रिवन जो डेटा ट्रांसफ़र होता है जब भी हम किसी इंटरप्ट को सर्विस करने जाते हैं जैसे ही हम किसी इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हम एक आई एस आर पे मूव कर जाते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन मतलब हर एक इंटरप्ट का अपना एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है जब उसको आप किसी भी इंटरप्ट को सर्विस देते हैं सो यू एग्जीक्यूट दैट इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड एंड बैक टू द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर प्योरिटी इंटरप्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज पोलिंग ठीक है विच इज डन बाय द पोलिंग मेथड ओके अब हम बात करेंगे हार्डवेयर प्योरिटी इंटरप्ट तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर प्योरिटी इंटरप्ट में हम जो भी ये प्रोरिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रोरिटी इंटरप्ट को हम बाई यूजिंग द सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ठीक है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं प्रियोरिटी को डिसाइड कर रहे हैं तो अब हम हार्डवेयर प्रियोरिटी इंटरप्ट की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रियोरिटी इंटरप्ट सिस्टम है इसको हमने कहीं ना कहीं हार्डवेयर का यूज़ करके बनाया है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम हार्डवेयर के टर्म में बात करेंगे मीन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीजें हैं तो विच वन बीच बी फास्टर हार्डवेयर वन, ठीक है हो सकता है कि डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन, समझना ये सब थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए लेकिन अगर आप स्पीड के टर्म्स में बात करेंगे तो हार्डवेयर वाला आपका हमेशा फास्टर ही मिलेगा ठीक है जैसा हमने जब आ, उसके बारे में बात की थी कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन आप दो तरीके से कर सकते हैं फर्स्ट वन हार्ड हार्डवायर एंड माइक्रो प्रोग्राम ठीक है तो उसमें भी क्या था हार्ड हार्डवायर्ड वाला कॉम्प्लिकेटेड था ठीक है फ्लेक्सिबल नहीं था लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए तो हार्डवेयर हार्डवेयर वॉज फास्टर दैन वन तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं बहरहाल तो हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं फर्स्ट वन इज डेजी चेनिंग प्रायोरिटी एंड सेकेंड इज पैरल प्योरिटी इंटरप्ट दो तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के हार्डवेयर इंटरप्ट हार्डवेयर प्योरिटी इंटरप्ट को बनाने के एक होता है सीरियल कनेक्शन जिसका हम नाम क्या देते हैं डेजी चेनिंग और दूसरा होता है पैरल प्याल पैलल प्योरिटी इंटरप्ट ओके सो तो अब देखते हैं डेजी चेनिंग से बात करते हैं डेजी चेनिंग मेथड आपने इसको कहीं बस आर्बिट्रेशन में पढ़ा होगा ठीक है बस आर्बिट्रेशन से काफ़ी मिलता जुलता ये कंसेप्ट है तो हम इसको डायग्राम से बात करते हैं ओके द दे, डेजी दे, चेनिंग मेथड ऑफ़ इस्टाब्लिशिंग <गे> प्रियोरिटी कंसिस्ट ऑफ अ सीरियल कनेक्शन ऑफ ऑल डिवाइसेस दैट रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट ओके द डिवाइस विद द हाइस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस्ड इन फर्स्ट पोजिशन फॉलोड बाई द लोअर प्रायोरिटी डिवाइस अप टू द डिवाइस विद लोअर लोवेस्ट प्रायोरिटी देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमने क्या किया है ये जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है ठीक है इन्हें हमने एक सीरियल कनेक्शन से कनेक्ट कर लिया है प्रोसेसर से ठीक है और प्रायोरिटी कैसे डिवाइस डिसाइड की जा रही है जो डिवाइस प्रोसेसर के सबसे नज़दीक है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है ठीक है जो डिवाइस सेकंड नंबर पे है दैट इज़ सेकंड हाईएस्ट एंड जो लास्ट है ये लीस्ट प्रायोरिटी है ठीक है तो जिस सीक्वेंस में आप ये कनेक्शन हार्डवेयर की बात हो रही है इसका मतलब आप वायरिंग के थ्रू बात करोगे तो डिवाइसेस को आप प्रोसेसर से जिस सीक्वेंस में अटैच कर देंगे उसी सीक्वेंस में इनकी प्रियोरिटी सेट हो जाएगी जैसे अगर आपने कीबोर्ड को नंबर वन पर रखा माउस को नंबर टू पे रखा और आपने प्रिंटर को नंबर थ्री पे रखा तो लीस्ट प्रायोरिटी वन इज़ प्रिंटर एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द कीबोर्ड ठीक है लेकिन हम स्पीड को ध्यान रखते हुए इन डिवाइसेस को अरेंज करते हैं ठीक है थीके? और ये जो डिवाइसेस हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन और प्रोसेसर इनको जो सर्विस देगा वो कैसे एक्नॉलेज करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट सिग्नल ओके और इसके बाद जैसे इंटरप्ट एक्नॉलेज होगा वो किसी ना किसी एक ब्रांच uh, एड्रेस पे या सब रूटीन पे मूव कर जाएगा ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेसी चेनिंग मेथड दिस इज़ वेरी सिंपल आपने कनेक्शन को कनेक्शन करते टाइम डिवाइसेस को प्रोसेसर से जिस सीक्वेंस में कनेक्ट किया है जो सबसे नज़दीक है ठीक है वो क्या होगा वो आपका हाईएस्ट होगा और जो उसके बाद है सेकेंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट एंड सो एंड यही चीज को यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी द डिवाइस विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट पोजिशन फॉलोड बाई द लोअर प्रायोरिटी डिवाइस अप टू द डिवाइस विद द लोवेस्ट प्रायोरिटी विच इज प्लेस्ड लास्ट इन द चेन ठीक है ओके लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड दैट इज़ पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट ठीक है तो इसके बारे में सबसे खास बात है कि पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट आपको ये इसको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है वी नीड अ प्रायोरिटी इनकोडर ठीक है प्रियोरिटी इनकोडर एक आपका कम्बिनेशनल सर्किट है जिसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर आपको आइडिया रहेगा प्रियोरिटी इनकोडर के बारे में तभी आप चीज़ों को थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे तो प्रियोरिटी इनकोडर का एक तरह से काम ही है कि प्रियोरिटी को डिसाइड करना और उस स्पेसिफिक कम्बिनेशनल सर्किट को यूज़ करके हम पहले प्रियोरिटी इंटरप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ठीक है और इसमें हम दो अलग अलग रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं एक होता है हमारा जिससे हमारी डिवाइसेज जैसे हमारे पास माउस है प्रिंटर है आगे हम डायग्राम्स के थ्रू बात करेंगे तो ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा इनके लिए हमने हर एक बिट पोजीशन पे एक एक डिवाइस को कनेक्ट करके रखा है ठीक है इसके अलावा हम एक और रजिस्टर को यूज़ करते हैं मास्क मास्क रजिस्टर ठीक है तो उसका भी अपना एक पर्पज़ है जो हम आगे बात करने वाले हैं सो लेट्स सी वॉट इज पैलर प्योरिटी इंटरप्ट द पैलर प्योरिटी मेथड यूजेज अ रजिस्टर हुज बिट्स आर सेट सेपरेटली बाई इंटरप्ट सिग्नल फ्रॉम ईच डिवाइस लेट सी वॉट इज दिस ये है हमारा जैसे हमारे पास डिस्क है प्रिंटर है रीडर है कीबोर्ड है ये हमारा इंटरप्ट रजिस्टर है ठीक है अब इसके हर एक बिट जैसे डिस्क अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो यहाँ पे बिट सेट या रीसेट होगी प्रिंटर भेजेगा रिक्वेस्ट तो यहाँ पे बिट सेट या रीसेट होगी मतलब रजिस्टर की एक एक बिट पोजीशन को हमने एक एक डिवाइस को दे दिया है ठीक है एंड प्रायोरिटी प्रायोरिटी इज इस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ बिट्स इन द रजिस्टर सर्किट में इंक्लूड अ मास्क रजिस्टर मास्क रजिस्टर का पर्पज़ क्या है टू कंट्रोल द स्टेटस ऑफ ईच इंटरप्ट रिक्वेस्ट द मास्क रजिस्टर कैन बी programmed टू डिसेबल कैन बी programmed टू डिसेबल lower लोअर priority interrupts while अ हायर priority इंटरप्ट इज being serviced. ठीक है तो मास्क रजिस्टर आपका इस मेथड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है एक रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं जो आपके जो डिवाइसेस हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो उस रजिस्टर की एक एक बिट पोजीशन हमने एक एक डिवाइस को हमने दे दी है ठीक है ये जो बिट पोजीशंस है यही प्रायोरिटी को डिवाइस डिसाइड करेंगी मास्क रजिस्टर का काम है कि जो आपके पास बाक़ी रिक्वेस्ट आ रही है लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट है उनको मास्क करना या फिर रोक कर रोक के रखना ठीक है एक तरह से हिडन करना ताकि वो कुछ इम्पैक्ट ना डाले हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट पे और दूसरी चीज़ कि इस चीज़ को अश्योर करना कि जब कोई हायर प्रायोरिटी डिवाइस की सर्विसिंग हो रही है जब मतलब किसी हायर प्रायोरिटी डिवाइस का आई एस आर एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट कोई रिक्वेस्ट ना कर पाए लोअर प्रायोरिटी डिवाइस रिक्वेस्ट ना कर पाए ठीक है so, सो टू मास्क रजिस्टर इज यूज टू डिसेबल द लोअर प्रायोरिटी इंटरप्स वाइल अ हायर प्रायोरिटी डिवाइस इज बींग सर्विस्ड एंड इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ फैसिलिटी दैट अलाउज़ अ हायर प्रायोरिटी डिवाइस टू इंटरप्ट दी पी यू वाइल अ लोअर प्रायोरिटी इज बींग सर्विस्ड मास्क रजिस्टर एक और चीज़ करता है वो क्या है एक चीज़ तो इसने क्या किया कि जब हाई प्रायोरिटी डिवाइस का प्रोरिटी uh, uh, मतलब इंटरप्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है तो लोअर प्रायोरिटी डिवाइस उसे इंटरप्ट रिक्वेस्ट ना भेज पाए प्रोसेसर को फर्स्ट पॉइंट ठीक है एंड सेकंड पॉइंट कि अगर कोई लोअर प्रायोरिटी की डिवाइस कि इंटरप्ट को हैंडल किया जा रहा है किसी लोअर प्रायोरिटी डिवाइस के इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, तो उस टाइम पे हाई प्रायोरिटी डिवाइस रिक्वेस्ट भेज पाए तो मैं एक चीज़ आपको बार बार अश्योर करना चाहूँगी कि आपको जितना भी कंटेंट यहाँ पर दिख रहा है इसका एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आप इसे नोट no डाउन भी कर सकते हैं और अगर आप आप मेरी बातों को ध्यान में रख सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड तो यहाँ पे इस पूरे में सिर्फ दो ही तीन चीज़ें मैंने बताई व्हाट इज पर्पज ऑफ द इंटरप रजिस्टर के एक एक बिट पोजिशन को एक एक डिवाइस को हमने असाइन कर दिया है और मेन रोल है मास्क का मास्क रजिस्टर क्या कर रहा है पहला जो आपके लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है उनको मास्क करना दूसरा कि अगर हाई प्रायोरिटी डिवाइस के इंटरप्ट का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो लोअर प्रायोरिटी डिवाइस रिक्वेस्ट ना भेज पाए इंटरप्ट के लिए तीसरा अगर लोअर प्रायोरिटी डिवाइस का इंटरप्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है तो ये अश्योर करना कि जो हाई प्रायोरिटी डिवाइस है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट प्रोसेसर को भेज पाए दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मास्क रजिस्टर ओके सो लास्ट में हम आते हैं डायग्राम पे डायग्राम हमारा ये हमारा इंटरप्ट रजिस्टर है दिस इज़ योर मास्क रजिस्टर और इन दोनों का जो जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हम क्या कर रहे हैं उनको हम एंड करके किसे भेज रहे हैं प्रियोरिटी इनकोडर जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि किस डिवाइस को प्रियोरिटी दी जानी है ठीक है और ये प्रियोरिटी इनकोडर भी कुछ एजम्पन्स पर काम करता है ये पहले डिसाइड कर लेता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसे आपको मैक्सिमम प्रियोरिटी देनी है हायर प्रियोरिटी ठीक है जैसे उसी के बेसिस पे पहले जब प्रायोरिटी इनकोडर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि क्या होता है मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ प्रियोरिटी इनकोडर जब हम डिज़ाइन करते हैं क्योंकि ये भी एक हार्डवेयर ही है कम्बिनेशनल सर्किट है ठीक है जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो उसके डिज़ाइनिंग के पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिवाइस है जिसे मुझे मैक्सिमम प्रियोरिटी देनी है जैसे मैं मैंने कहा कि अगर डिस्क है डिस्क अगर आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मुझे ये चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि प्रिंटर रीडर या कीबोर्ड इनमें से कोई रिक्वेस्ट भेज रहा ठीक है, है इन सब का कोई मतलब ही नहीं है अगर डिस्क ने रिक्वेस्ट भेज दिया क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हमने सेट किया इसके बाद अगर प्रिंटर है प्रिंटर को हमने सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया देखो इसमें भी क्या है इंटरप्ट ये जो रजिस्टर है जिस सीक्वेंस में यहां पर डिवाइसेस ऐड है इसी सीक्वेंस में इन्होंने, ये जो इनकोडर है ये प्रायोरिटी दे रहा है डिवाइसेस को ठीक है अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी पे डिस्क है सेकंड हाईएस्ट प्रिंटर थर्ड हाईएस्ट रीडर एंड लीस्ट प्रायोरिटी पे आपका कीबोर्ड है ठीक है और इसी बेसिस पे ये जो प्रायोरिटी इनकोडर है इसको डिज़ाइन किया गया है ठीक है और प्रायोरिटी इनकोडर क्या कर रहा है इस यहाँ से दोनों से इनपुट ले रहा है उसको एंड करके यहाँ पर इनपुट जा रहा है और ये जो प्रायोरिटी इनकोडर है वो ब्रांच एड्रेस जनरेट कर रहा है इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे भेजने के लिए कि किस लोकेशन पे प्रोसेसर को जाके सर्विस देनी है सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो हम इंटरप्ट हैंडलिंग का टॉपिक अभी तक डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ओके एंड लास्ट वन इज़ कि भाई कम्बिनेशन सर्किट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ टेबल होगा तो जैसा मैंने बताया देखो ये क्रॉस क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉस क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आई नॉट पे वन है ठीक है आई नॉट पे वन है तो हमें ये बिल्कुल नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या है क्या ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नहीं हमें तुरंत क्या करना है इस रिक्वेस्ट को हैंडल करना है इसको सर्विस देना है और अगर ये कंडीशन होती है मतलब आई नॉट और आई वन मतलब आई वन पे अगर वन है तो हमें आई टू आई थ्री को देखने की ज़रूरत नहीं है तो दिस इज़ टू टेबल फॉर प्रियोरिटी इनकोडर इसको मैंने ऑब्वियसली जब मैंने इसके बारे में बात की होगी बस आर्बिट्रेशन उस टाइम पे भी मैंने प्रायोरिटी इनकोडर का एक ठीक ठाक ओवरव्यू दिया हुआ है ठीक है तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू गाइज़